दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री आशीष कुंद्रा जी, स्पेशल कमिश्नर्स, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी और सभी भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा दिन है। ये अभी हम दूसरा क्रांतिकारी कदम शुरू करने जा रहे हैं। आज सुबह सुबह 10:30 बजे हम लोगों ने, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है एक एजुकेशन का, जिसके साथ करार करने के लिए स्कूल्स और सरकारें जो है वो बहुत ज़्यादा लालायित रहती हैं, उनके साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसके बारे में मैं आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। बहुत ऐतिहासिक कदम है। और अब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। एक ज़माना था जब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाना होता था तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें, छुट्टी लेनी पड़ती थी। एक बार जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। सो 2015 के पहले का वो सिनेरियो था। अभी जो आपने तस्वीरों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें, खचाखच भरे हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं। फिर 2015 में एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। जैसा अभी आपको पूरी यात्रा दिखाई गई, 2015 में कुछ कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए, 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसने इतना किया कि डिपार्टमेंट तो ऐसा ही रहा, MLO भी थे, RTO भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था, पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, 1076 पे फोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फीस ले जाएगा, और RTO या MLO के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था जो दिल्ली के अन्य विभागों में लगभग 150 से ज़्यादा सर्विसेज इस टाइम दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे चल रही हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म, अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा, अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं, कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं, अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। आप लोग अमेरिका जाते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो आप वापस आके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को क्या कहते हैं, यार वहां तो सारे काम ना कंप्यूटर पे बैठ के सब घर बैठे हो जाते हैं, पता नहीं अपने भारत में ऐसा कैसे होगा।
अब आप जब अमेरिका जाएं तो बोल देना हमारे भारत में भी ये शुरू हो गया सिस्टम, ये वाला चालू हो गया सिस्टम, दिल्ली में चालू हो गया और अब पूरे भारत देश में भी होगा। अब घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर ये सारे काम हो जाया करेंगे। जैसा भी बताया गया, केवल दो चीज़ हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये दो चीज़ों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये तभी संभव था जब एक अच्छी नीयत वाली सरकार यहाँ बैठी है। पहले कहा करते थे, सुना करते थे, असलियत क्या थी पता नहीं, पर कहते थे कि जो वो दलाल का पैसा है ना, वो ऊपर तक पहुँचता है। अब पता नहीं पहुँचता था कि नहीं पहुँचता था, लेकिन अब ऊपर तक नहीं पहुँचता है। अब ये जितने बैठे हैं ना, ये पैसे नहीं खाते, और जब ये पैसे नहीं खाते तो फिर पैसे दलालों की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों के, बिना रिश्वतखोरी के सिस्टम काम कर सके।